हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? तो आज है हॉस्पिटल में तीसरा दिन और अभी हो रहा है सुबह के 8:20 हो रहा है। तो मैं जा रहा हूँ अभी मेडिसिन लेने बाहर। और हॉस्पिटल में सबसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सबसे बुरी बात ये होती है कि किसी भी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो अभी चल रहा हूँ मैं मार्केट और वहाँ से मैं लूँगा दवा। तो मैं दवा यहीं से लूँगा मेडिकल स्टोर से। हाँ, तो मेडिसिन ले लिया और अब मैं चल रहा हूँ मार्केट, कुछ खाने पीने की चीज़ें लूँगा और फिर उसके बाद जाऊँगा हॉस्पिटल। अभी मार्केट भी पूरी खुली नहीं है तो देखो क्या मिल जाता है, कुछ खाने की भी मिल जाता है। ये है हॉस्पिटल का सेकेंड गेट और एक लेफ्ट साइड में भी है। तो आज दादी हो रही डिस्चार्ज और उनका डिस्चार्ज फॉर्म भी बन गया है और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, थोड़ा सा इसका जेरॉक्स कराऊंगा और मेडिसिन लिखा है उसको, तो उसको मेडिसिन ले लूँगा 5-6 दिन के लिए दवा लेना। और उसके बाद यार दिक्कत ये है कि इतना दोपहर में ऑटो ऑटो भी मिलना मुश्किल है, तो अभी कोई ऑटो मिल भी नहीं रहा है। तो चल रहा हूँ अभी बाहर गेट पर, कुछ शायद ऑटो ऑटो वाले मिल जाए तो वहाँ से मैं रिजर्व करूँगा घर के लिए, तो देखते हैं। धूप इतनी तेज़ हो रखी है कि आँख भी खुल नहीं रहा और ऑटो वाले से एक बाहर ऑटो तो दिख रहा है अभी, तो दवा वाले लेता हूँ। तो मैं दवा यहीं से ले लूँगा और पहले दवा ले लेता हूँ, फिर उसके बाद एक ऑटो वाले दिख रहा है, चलेगा तो ठीक है। अभी हम पहुंच गए चिड़ैयाकोट और ये चिड़ैयाकोट मऊ डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो अब यहाँ से हमारा लगभग 20 किलोमीटर दूर है घर। चिड़ैयाकोट का मार्केट है। हम पहुंच गए रायपुर और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे मेला लगा हुआ है नवरात्र का, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रखी है अभी, बहुत ट्रैफिक भी लगी है। तो ये रहा रामबन और यहाँ पे अंदर इसके अंदर जंगल कुछ साइड लगा हुआ है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, सब उधर ही से आ रहे हैं।